गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपका फ्लेक्सिबल बजट शुरू किया था और फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हमने एक एग्जांपल देखा था, एकदम लो लेवल एग्जांपल। आज हम थोड़ी लेवल बढ़ाने वाले हैं, तो प्लीज फोकस करें आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है आज का ये, थोड़ा लेवल बढ़ाया हूँ थोड़ी। ओके, अब यहाँ पे फोकस करेंगे प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा ये। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ एक्मे इंजीनियरिंग कंपनी। तो एक एक्मे इंजीनियरिंग कंपनी की प्रोडक्शन एक्टिविटीज अपने को दी हुई है। फॉर द थ्री मंथ्स एंडिंग 31st मार्च 1977। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एट 60% 50-80% 100% कैपेसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर द थ्री मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून 1977। ओके, अब यहाँ पे आगे से दिया है, अब बता रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी अपने को 50% ध्यान दो सॉरी 60% 80% 100% निकालना है, पर उसके लिए हमारे पास कोई तो भी परसेंट का डाटा गिवन होना ना, तो हमारे पास डाटा गिवन है 50% का। ये कैसे मालूम पड़ा? देखो नीचे, देखो मेरा ध्यान नीचे गया, फिर से फिक्स कॉस्ट में क्यों नहीं निकाला क्या दिया उसने? देखो अपने को तीन कैटेगरी के खर्चे दिए हुए, आप देख पा रहे होंगे, अगर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो आपको तीन कैटेगरी के खर्चे दिए हुए। पहला दिया हुआ है फिक्स एक्सपेंसेस, दूसरा दिया है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस और तीसरा दिया वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब देखो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में और वेरिएबल एक्सपेंस में 50% निकाल ऐसे लिख के दिया कैपेसिटी, लेकिन फिक्स पे नहीं लिख के दिया, क्योंकि फिक्स खर्चा फिक्स होता है चाहे कैपेसिटी कोई भी हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे 50% निकाल के नहीं दिया। गीवन आपको 50% डाटा ही पूरा, फिर से बोल रहा हूँ, गीवन आपको 50% डाटा यानी 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी का डाटा गीवन देकर वो बता रहा है कि आने वाले तीन महीने का हमें 60% 80% और 100% का फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है। अब बताओ कितने कॉलम बनेंगे? तो चार, जो गीवन है उसका तो बनाना पड़ेगा ना। कल नहीं किया था अपन ने, जितना परसेंट कैपेसिटी गीवन है प्रोडक्शन का वो तो अपने को बनाना पड़ेगा ही, साथ में अभी तीन और पूछ रहा है वो। चलो शुरू करें। हाँ, अब दो मिनट यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे आपको पता है, अब आज वाला एग्जाम्पल और कल वाला एग्जाम्पल फर्क है। पहला फर्क क्या है? पहला फर्क ये है कि यहाँ पे आपको 4% दिए हुए कैपेसिटी, कल 3 थे। दूसरा फर्क ये है कि फिक्स और वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं है। सेमी वेरिएबल में हमको ये प्लान इंडायरेक्ट सेल्समैन ये सब के डिवाइडेशन किए हुए थे 30-40-50-60, याद है आपको कि 40% फिक्स है 60% वेरिएबल है। अब यहाँ पे सेमी वेरिएबल के लिए यहाँ पे उसने ऊपर अपने को ऊपर कुछ नहीं मेंशन दिया है, आप देख पा रहे होंगे अगर क्वेश्चन में, तो लेकिन उसने नीचे सेमी वेरिएबल के लिए पूरी डाटा उसने नीचे अपने को इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये है डिफरेंसेस कल वाले एग्जाम्पल में और आज वाले एग्जाम्पल में। हाँ, ये अलग है। अब आगे उसने दिया है कि सभी का अपने को सेल गिवन दिया है, दिख रहा है आपको? सभी कैपेसिटी में आपको देखो सेल्स गिवन दिया हुआ है 60% 80% और 100% सबको दिया ना सेल्स, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। निकाल लेंगे हम, आपको यहाँ पे सभी का सेल गिवन दिया, देखो आप नीचे लास्ट में आप क्वेश्चन अगर देख पा रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन में सेल्स आपको गिवन दिया है, आप देख रहे हो क्या? दिख रहा है आपको उस क्वेश्चन? हाँ, मतलब जूम कर दूँ उसको और? अब यहाँ पे जब भी तुम्हारे एग्जाम्पल में सेल गिवन होगा सेल, तो आपको फिर टोटल कॉस्ट निकाल के सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो आपने को निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आई क्या आपको? अच्छे से समझ में आई? क्लियर? हाँ,
अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी दो तीन बातें और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दो। हाँ दो मिनट ध्यान दो, हाँ अब यहाँ पे दो मिनट ध्यान दो। अब सेमी वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो थोड़ी अलग दी हुई है यहाँ पे, यानी आज वाला एग्जाम्पल कल वाले एग्जाम्पल जैसा नहीं है, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करना यहाँ पे। चलो एक बार मैं समझा के देता हूँ आपको और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब पहला दिया है फिक्स एक्सपेंसेस, अब फिक्स एक्सपेंसेस दिया है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, रेंट दिया है, दिख रहा है आपको, तीन चार एक्सपेंस दिया हुआ है, मैनेजमेंट एक्सपेंस, सैलरी दिया हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और सन्ड्री ऑफिस कॉस्ट दिया हुआ है, ये फिक्स है। अब फिक्स क्या होता है, फिक्स खर्चा फिक्स होता है, आउटपुट बढ़ने से कम होने से वो खर्चा अफेक्ट नहीं होता, तो ये पूरा तुमको कॉपी पेस्ट करना है। हाँ सेमी वेरिएबल, वेरिएबल एक्सपेंस क्या होता है, वेरिएबल एक्सपेंस 50% कैपेसिटी ऑफ गिवन दिया है, यानी यदि 50% था तो 1% कितना, तो डिवाइड बाय 50 करना है, और 1% आ गया तो फिर 60 पूछे, 70 पूछे, 80 पूछे, 90 पूछे, कोई भी परसेंट पूछे अपन निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे भी लोड नहीं है, लोड वाला काम कहाँ है, ओनली यहाँ पे। अब यहाँ पे तुमको 50% कैपेसिटी में सेमी वेरिएबल में प्लांट एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर दिया है, सेल्समैन सैलरी दिया है, सन्ड्री एक्सपेंस दिया हुआ है। अब उसने नीचे यहाँ पे कुछ तो भी दिया हुआ है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, दो बार ध्यान दो। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कॉन्स्टेंट बिटवीन द 40, देखो इधर 40 एंड 70% कैपेसिटी, यानी 40 और 70% तक की कैपेसिटी में वो कॉन्स्टेंट है। अब बताओ 40 और 70 में हमारे पास कोई कैश बजट है क्या, और फ्लेक्सिबल बजट में कोई कैपेसिटी है क्या अपने पास, नहीं है ना। एक में रुको, यानी 50 कॉन्स्टेंट बता रहा है कि 40 से लेकर 70 तक के जो भी है वो सबका एक ही भाव है, तो एक ही भाव है तो 50 का भी वही भाव होगा, 60 का भी वही भाव होगा और 70 का भी वही भाव होगा। तो बताओ हमारे बजट में 50 तो गिवन है लेकिन 60 आएगा ना, तो जो 50% है कैपेसिटी, यानी जो 50% है ये वाले सब, वही 60% में अप्लाई हो जाएंगे। क्यों पूछो क्यों, नीचे लिख के दिया उसने, वो बता रहा है, नहीं एकदम सिंपल है सेम ही, ये कल से इजी है, उल्टा यहाँ पर तुमको टुकड़े नहीं करने। देखो क्या बोल रहा, फिर से बोलूँ एक बार, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट है 40 और 70 के बीच में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो, उसके बीच में, तो 40 और 70 के बीच में हमारा 50 भी आ रहा है और 60 भी आ रहा है, लेकिन 50 तो गिवन ही दिया उसने, यानी जितना 50% एक्सपेंस होगा हमारा कैपेसिटी में उतना 40 भी होगा, उतना 50 भी होगा, उतना 50 भी होगा, 60 भी होगा, उतना 70 भी होगा। अब 70 उसने पूछा नहीं अपने को, अपने को उसने फ्लेक्सिबल बजट कितना पूछा है 60%, तो 60% का सेम निकालना है अपने को, कॉपी पेस्ट करना है। सजा वो क्लियर, क्यों बोल रहा है 40 और 70 के बीच में कोई भी कैपेसिटी में माल बनाओ सेम लगना है, ये किसके लिए बोल रहे हैं, ओनली सेमी वेरिएबल के लिए। हाँ यानी 40-50 में तो आएगा ही जो आएगा, वो 60 में भी आएगा सेम, अभी समझा आपको क्लियर है, यही सारे आंकड़े तुमको कॉपी पेस्ट करने हैं। क्यों कर रहे हैं, लिख के दिया है इसलिए। आगे इंक्रीज बाय 10% ऑफ द अबव फिगर्स बिटवीन 70 to 85, और 70 और 85 के बीच में अगर कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी हो रहा है तो उसमें 10% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी इन सब। अब बताओ 70 और 80 के बीच में, 85 के बीच में मेरा कोई फ्लेक्सिबल बजट कैपेसिटी आ रही क्या, तो आ रही है 80%, यानी 80% में ये सब आंकड़ों के 10% बढ़ा के लेना है। समझ में आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम कहाँ आना है, ओनली सेमी वेरिएबल में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी ऐसे अज्यूम कर रहा मैं। आगे है ना, आगे बता रहे हैं एंड इंक्रीज 15% ऑफ द अबव फिगर बिटवीन 85 to 100, यानी जो बोल रहा है 50% जो भी होगा, यानी जो भी आपको गिवन डाटा है उसके 15% इंक्रीज करो यदि प्रोडक्शन कैपेसिटी 85 और 100 के बीच में हो रहा है। तो बताओ हमारा 100% हो रहा है ना, तो 100% में 15% बढ़ा देना है बस, यानी ये जो गिवन डाटा है इसका 15%, यानी क्या किया आपने, सुनो सेमी वेरिएबल क्या है, 50 और 60 सेम आंकड़ा है, 50 और 60 सेम आंकड़ा है। देखिए इधर पीयूष पीछे बैठे मेरी फिर से, 50% का जो परसेंट दिया हुआ है यही सेम कॉपी पेस्ट 60% का भी होगा, लेकिन 70% जो बोल रहा है वो 70% अपने पास है क्या, नहीं 80 है, तो 80% में वो बता रहा है कि 10% बढ़ा के लेना है, इंक्रीज करना है इसका, यानी इन सबका 10%
प्लस करके इंक्रीज कर लेना है, ओके। और 100% में इसका 15% बढ़ा के लेना है, प्लस में करना है। सर ये अमाउंट का प्लस कर लेना है? हाँ, मैं 50% में प्लस ये कर रहा था। नहीं नहीं, तो ये अमाउंट है ना, इन सब का 10% से बढ़ाई हुई इधर फिगर, और इधर 15% बढ़ाया, बाकी और कुछ नहीं है। यानी कल से इजी है, क्यों? कल तो भी हम एक एक खर्चे के दो टुकड़े करते, फिक्स अलग सेमी अलग, यहाँ पे वो परसेंटेज में कॉन्स्टेंट करने को बोल रहा, समझा आपको? यानी कल के कंपेरिटिव में एग्जांपल इजी है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट निकालने का एक हमारा झमेला बढ़ गया, ठीक है। और सेमी वेरिएबल तो आप पता है आपको, 1% का करो, फिर 50 पूछे 60 पूछे जो भी आया। चलो अब यहाँ पे उसने नीचे दिया हुआ है फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन कॉन्स्टेंट वेदर द लेवल ऑफ एक्टिविटी का है, को बता रहा है, हमको पता है, छोड़ दे, वो बता रहा है फिक्स एक्सपेंस कॉन्स्टेंट रखो, लेवल बढ़ने से कम होने से, आप लोगों को पता है ना वैसे भी, तो छोड़ दो। हाँ, आगे दिया है सेल्स, अब सेल्स में 60% कैपेसिटी दिया हुआ है, 80% दिया, 100% दिया हुआ है, दिख रहा है तुमको सेल्स? तो आपको टोटल कॉस्ट सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट या लॉस जो आएगा वो आप लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर सेल नहीं गिवन होता था तो अपन कल वाला जैसा की एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट बस वैसे करते थे अपन। चलो फटाफट बनाओ, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में तो चेंजेस आएंगे आएगा थोड़ा, और इसमें करने के तरीका भी चेंज है। अभी तरीका कौन सा देखो, इधर जान दो। तो देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा फास्ट करेंगे। इन द बुक ऑफ, किसका बुक है? एक्मे, इंजीनियरिंग कंपनी। देखो इधर सब 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 लोग अच्छे से, हाँ क्या बना रहे अपन? फ्लेक्सिबल बजट, कितने महीने का है? हाँ इधर लिख सकते हैं अपन, फॉर द ईयर 3 months एंडेड चलता है, यहाँ लिखा दो, और यहाँ पे कॉलम आएगा परसेंटेज। अब इतना तो मालूम पड़ गया तुमको कि फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है। अच्छा यहाँ पे भी अभी पर यूनिट निकालना नहीं है, क्योंकि अपने को क्वांटिटी दीवन नहीं है। जानवी बेटा बातें बनकर आपस में यहाँ पे ध्यान दे। अच्छा बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, पूछो क्यों? अच्छे खासे एटम है आपने को, फास्ट बना पूछ। चलो यहाँ लिखो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर 50% कैपेसिटी लिखो, इधर 60% कैपेसिटी, और कौन सा पूछा? 80% ना, सबसे पहले यहाँ पे तुमको दिखाना पड़ेगा सेल्स इनकम, पहले सबसे पहले इनकम नीचे ऊपर ऊपर सबसे पहले ऊपर आपने को सेल दिखाना है अभी यहाँ पे। पूछो क्यों? सेल्स माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस है ना, इसलिए तो माइनस करने के लिए अगर दिखाए तो सेल्स ऊपर दिखाओ, लिखो इन रुपीस। अब बताओ किस में दिया हुआ है? 50% में दिया गया उसने, तो निकाल सकते हैं अपन, निकाले क्या बोलो? साठ का बताओ कितना है? 5,10,000। अच्छा देखते सबका सेम आ रहा क्या? देखो सर कैसे निकालना है, अगर 5,10,000 रुपए ये 60% है तो 1% कितना डिवाइड बाय 60 करो बस। अस्सी परसेंट कितना आया?
6 लाख, देखो गिवन में जो है 6,80,000 आंकड़ा है क्या, और 100% आएगा 8,50,000, यानी इन शॉर्ट ये सब परसेंटेज सेम चल रहे हैं, तो अपन 50% निकाल सकते हैं। हाँ अब बताओ, 1% ही 8,500 है, तो 50% कितना, 4,00,000 निकाल लो। क्या किया समझा आपको? चलो अब यहाँ पे तीनों खर्चे ले, अब बताओ पहले कौन सा खर्चा ले, तो कल वाला ले, पहले वेरिएबल लेते फिर सेमी वेरिएबल फिर फिक्स, जैसे कल किया था अपन ने, कल अपन ने वही किया था ना, कोई भी ले सकते हो, पहले फिक्स लो चलता, कोई उसमें कोई मगजमारी नहीं है, नहीं फिक्स इजी होता है, फिक्स क्या होता है बस कॉपी पेस्ट करने होते हैं, झमेला कहाँ है, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल में, तो पहले वेरिएबल लेते हैं, देखो यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल क्या नाम दिया है, एक्सपेंसेस की ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंसेस की ओवरहेड दिया है, हाँ ठीक है चलो material. पहला क्या दिया है नंबर वन मटेरियल, अब मटेरियल देखो ध्यान उधर, अब मटेरियल कितना है 50% में, हाँ 1,20,000 रुपए, यदि 50% तो पहले 1% निकल करो, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50, तो 1% कितना आया 2,400 रुपए, 1% कैसे क्या डिवाइड किया बस, हाँ अब 2,400 रुपए यदि 1% आया तो 60% कितना इनटू 60 करो 1,44,000 और 80% और 100% डबल उसका 2,40,000 1,20,000 का डबल 50 का डबल 100 हो गया, नेक्स्ट क्या है फास्ट चलो चलो नेक्स्ट कौन सा है लेबर, अब लेबर 50% की दिया ना उसने कितना 1,28,000 अब 1,28,000 रुपए 50% तो 1% कितना डिवाइड बाय 50 करो 2,560 ये 1% तो 60% कितना इंटू 60 करो इंटू 60 करो इंटू इसको ही 80 करो है ना 80 है ना 70 है पहले 80 फिर क्या इंटू 100 करो कितना रहा बताओ 1,60,000 में 1,53,000 1,53,600 2,04,800 इधर डबल इसका 2,00,000 50 फिर अंदर डबल करो 100 फिर क्या दिया नेक्स्ट ठीक है सेल्समैन कमीशन 19,000 रुपए अब 19,000 रुपए यदि 1% डिवाइड बाय 50 करो 19,000 रुपए यदि 50% तो 1% कितना 380 रुपए ये 1% अब इन 1% यदि मिल गया आपने को तो 60 कितना आएगा फिर 22,800 और इसको डबल करो 19 का आधा 38,000 रुपए फास्ट हो रहे क्या स्लो करूं आज पिक्चर थोड़ी देर चल रही है ना इसलिए वो एडजस्ट करना है ना थोड़ा कवर गाड़ी लेट चल रही है बेटा पीछे बैठे से ना देखो ना आज आएंगे आज चलो ठीक है हो गया और वेरिएबल एक्सपेंस को दिया है क्या उसने बस हो गया तो इसकी करो टोटल अरे करनी पड़ती है बाबा ऐसे मत कर घाई कर लेकिन इतनी घाई मत कर कि हाँ ठीक है रुकेंगे 5-10 मिनट क्या तुम नहीं रुके क्या टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस करो कितना रही 2,67,000 इधर बताओ वाह बेटा वाह प्लस करते नहीं आ रहा और बताओ अरे प्लस करते जाओ ना मार आती हो मेरे करते बैठना ये
7 लाख, अच्छा 11 लाख, पक्का 11 लाख कहाँ से आएंगे? 4 लाख सेल्स की पकड़ रहे हो, सेल्स नहीं पकड़ना टोटल में, वो इनकम है, ये एक्सपेंस है, 4 लाख, 4 लाख इधर, ओके। अब यहाँ पे लिखो सेमी, अब थोड़ा डेंजर काम है, सेमी वेरिएबल में कल से इजी है लेकिन थोड़ा डेंजर है, कल से इजी है, कल थोड़ा आठ था इससे। अब सेमी वेरिएबल में 50% का डाटा गिवन है अपने पास, कितना गिवन है देखो तुम निकाल दो, 50% का डाटा कितना गिवन है वही तो पूछ रहा हूँ मैं। पहला है प्लांट, हाँ प्लांट एंड मेंटेनेंस लिखो, प्लांट मेंटेनेंस देखो बस, ठीक है प्लांट मेंटेनेंस देखो इधर, तो मैं ध्यान दो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है वर्किंग, वर्किंग इतने में इतना ही मिलता बोलना, हाँ ना। आप दोनों ध्यान दो, अब 50% का डाटा गिवन है तुम्हारे पास, दिख रहा है लिख के दिया उससे क्वेश्चन में, अब 12,500 रुपए वो बता रहा है नीचे, देखो लिख के दिया उसने इंफॉर्मेशन, सेमी वेरिएबल खर्चा जो है वो बता रहा है कि 40 और 75 के बीच में जितना भी खर्चा आ रहा है वो सब सेम है कॉन्स्टेंट 70 तक, हाँ तो 50 तो आ रहा ही है हमारा और 60 70 भी आएगा हमारा, तो 70 तक के जो भी आएगा अपना 60% कैपेसिटी, हाँ 60% में सेम आएगा ना, 12,500 सेम लगा दो, गलत, अबे सेम ही वेरिएबल है, वेरिएबल है क्या वो, उसको डिवाइड है 50-60 नहीं करना, वो उसने लिख के दिया है सेम ही वेरिएबल के लिए हमेशा कंडीशन रहेंगी, वो बता रहा है कि सेम ही वेरिएबल का जो खर्चा है, एक मिनट अभी कोई बात नहीं करेंगे, वो बता रहा है कि 40 और 75% कैपेसिटी में, यानी 40 से लेकर 75 बिटवीन है ना, बिटवीन यानी 40 से लेकर 70 तक के कैपेसिटी में हम जो माल बना रहे वो उसमें कांस्टेंट खर्चा आ रहा है, जो भी सेम ही वेरिएबल है हमारे सेम आ रहे हैं, हाँ तो हमारा 50% जितना माल आया होगा कैपेसिटी में खर्चा, सुन तो 40 में भी उतना आया होगा, 50 में भी उतना आया होगा, 60 में भी उतना होगा, 70 में भी उतना ही आया होगा, तो अब इन चारों में से 60% का अपने को माना है यानी सेम आया होगा, तो सेम उतार के लिख दिया अपने को, अब यहाँ पे दो मैं ध्यान दो, अब बता रहे आगे वो कि 70 और 85 के ऊपर, 70 से 85 के बीच में जितना भी प्रोडक्शन बन रहा कैपेसिटी उसमें 10% बढ़ा के लेना है, अब 12,500 प्लस 10% तो 12,500 तो ही है, प्लस 10% 1,250 बढ़ा दो, 13,750 कैसे आया समझा कि 12,500 प्लस 10% 1,250, अब दूसरा परसेंट जो बोल रहा है कि 100% है उसमें 15% बढ़ा लेना है, तो 12,500 का 15% कितना होता, 14,375 पक्का 14,300 ये कैसे आया ना आपको क्लियर, 12,500 प्लस 15% कितना था, अरे भाई 1875 ये बढ़ा के लिया, सेमी वेरिएबल के लिए आपको कंडीशन अलग अलग गिवन रहेगी, कभी कैसा कभी कैसा, सेम सेम अब सेम सब पे सेम करना है, आप देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर, फास्ट हो रहा है क्या, हाँ कितना आ रहा 49,500, 50% लगा तो 60 में भी सेम आएगा, लेकिन 70 में 10% बढ़ा के लेना है 54,450 और इसमें 15% बढ़ा के लेना है 56,925, फिर तीसरा है सेल्समैन सैलरी, फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी में लग रहा है 14,500
तो 60% में भी सेम आएगा क्योंकि 40 से लेकर 70 तक के ना सेम बता रहा है, लेकिन 70 से 85 के बीच में 10% बढ़ा के दे रहा, तो 80% में 10% बढ़ा के आएगा 15,950 और इसमें 15% बढ़ा के आएगा 16,675। अब जो रोज आ रहे होंगे वो रोज ऐसे आंकड़े कर रहे कैसे कर रहे समझ में आ रहा होगा तुमको, भाई जब कभी कभार आने वाले होंगे वो ऐसे देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं हम, बराबर ना। बराबर प्रियंका, फिर नेक्स्ट से सन्ड्री एक्सपेंस। देखो आंकड़े तो तुम्हारे यहीं से आ रहे हैं ना, मैंने तो ना बनाया है ना, तुमको आ रहा किस किस को जो रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं। हाँ इधर 10% बढ़ा के लो, और इधर 15% बढ़ा के 14,900। अब करो इसकी टोटल, टोटल अच्छा इसको ए बी सी दो कलर आंसर ना, अरे सोचते रहते ए आएगा टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, ये आएगा टू बी बी, इसको बी दो। चलो अब बताओ पहला कितना है टोटल, कहते हो 89,500 इधर 1,02,925। यहाँ तक क्लियर पिक्चर? अब आते हैं फिक्स, फिक्स का क्या कॉपी पेस्ट करना है, पूछो क्यों? अभी कर रहा ना, अभी कर रहा ना, वननेस में सब कुछ होता है। मार्केटिंग बोलते प्रमोशन नहीं। लिखो यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसेस। चलो अब फिक्स एक्सपेंसेस में क्या दिया है, मैंने इसमें एक्सपेंस दिया, फिक्स एक्सपेंस देखना नहीं पड़ता। फिक्स एक्सपेंस कहाँ चेंज होता है, ओनली पर यूनिट, टोटल नहीं। यानी कल को अगर पर यूनिट होता, पर यूनिट यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सबसे मगज मारी वाला ये काम है। फिर बस फिक्स खर्चा कैपेसिटी बढ़ने से कम होने से वो चेंज नहीं होता, तो तुम सब में कॉपी पेस्ट करना है। जब मैं 50% माल बनाऊंगा तो खर्चा आएगा 42, यहाँ भी 42 आएगा, यहाँ भी 42 आएगा और यहाँ भी 42 ही आएगा। फिर जब मैं रेंट एंड टैक्सेस भरूंगा तो यहाँ पे आएगा 28,000 रुपये, यहाँ पे भी 28, यहाँ पे भी 28। फिक्स खर्चे को इतना टेंशन रहता ही नहीं, मगजमारी रहता ही नहीं भैया। फिक्स खर्चा कहाँ मगजमारी रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आगे आने वाले एग्जाम्पल में पूछो क्यों, क्योंकि वहां पे ये क्वांटिटी भी आएंगी, यूनिट्स पर यूनिट भी निकालना खर्चा अपने को। फिक्स खर्चा टोटल अफेक्ट नहीं करता, लेकिन पर यूनिट अफेक्ट करता है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट होता है, टोटल में अफेक्ट करता है। रुक ना भाई, ऑफिस कॉस्ट 44 निकाल के दिया उसने,
ये यहाँ पे सी दे दो, सी नाम। अब यहाँ पे नीचे एक लकीर दो खींचो। अब यहाँ पे दो कैसे करना है, दो मिनट ध्यान उधर। मेरे को मालूम है फास्ट हुआ एग्जाम्पल आज, थोड़ा उतना कंसिडर कर लेना। आज पिक्चर थोड़ी गाड़ी सुबह से ही लेट चल रही, थोड़ी पीछे बैचेस बैचेस कंटिन्यू चल रहे आज। अब यहाँ पे एक एक लकीर दो लकीर खींचना है ऐसा। टोटल देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल कॉस्ट कैसे आया, ये ए प्लस सी, तीनों का करो टोटल 5 लाख। छ पक्का इधर 5,59,000। ये कहाँ से आ रहा था ना आपको टोटल क्या, ये टोटल वेरिएबल की, टोटल सेमी वेरिएबल की और टोटल फिक्स की। नेक्स्ट 6,75,150 इधर 7,86,125 पक्का 425 आएगा 425 आप देखो क्या करना है। अब यहाँ नीचे लिखो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक करो लॉस। लॉस कब आएगा, हाँ दो मिनट ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या करोगे, दो मिनट ध्यान दो। हाँ अब यहाँ पे सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे। जब सेल्स अगर ज़्यादा होंगी टोटल कॉस्ट से तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन सेल्स अगर कम होंगी कॉस्ट से तो खाया पिया कुछ नहीं ग्लास थोड़ा तो लॉस में आएगा, यानी माइनस में आएगा, फिर वो लॉस कंसिडर होगा। ओके चलो अब बताओ यहाँ पे हमने 50% कैपेसिटी में माल कितना बेचा। जब मैंने 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाई तो मैंने माल बेचा 4,25,000 का, लेकिन उसी माल को बनाने में खर्चा आ रहा है 5,06,000 रुपये, यानी ये तो लॉस में गया ना भैया। तो यहाँ पे माइनस 81,000 रुपये दिखाओ माइनस। हाँ अब सेम है यहाँ पे भी। जब मैंने 60% कैपेसिटी में माल बनाया तो मैंने वो माल बेचा 5,10,000 का, लेकिन वही माल को बनाने में मुझे टोटल खर्चा आ रहा है 5,59,400। तो बताओ मेरा खर्चा लॉस हुआ है ना, तो माइनस 49,400। क्या किया हमने, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर रहा, यानी 60% कैपेसिटी में माल बनाना पड़ता नहीं। अब 80% देखते हैं। अब 80% में क्या हुआ, 80% में जब मैंने माल बनाया तो मैंने वो माल बेचा पूरा 6,80,000 का, लेकिन उसी माल को बनाने में खर्चा आ गया 6,75,150, यानी यहाँ बच रहा कुछ, तो कितना बच रहा 4,800। ये अपना प्रॉफिट हुआ, यानी 80% में माल बनाया तो पुरता और 100 पे सोने पे सुहागा। अब 100% कैपेसिटी में देखा आपने कैपेसिटी बढ़ रही तो देखो अपने आप वो कॉस्ट कम होती आ रही, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होता है और इन सबको अफेक्ट किसने किया, ओनली फिक्स कॉस्ट ने। हाँ अब बताओ 100% कैपेसिटी में जब मैंने माल बनाया तो मैंने वो माल बेचा पूरा बना के 8,50,000 का सेल, लेकिन वही माल बनाने में खर्चा आ गया 7,86,425 दिखा टोटल कॉस्ट। ये तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कितना आया 63,575 आया प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमारा फ्लेक्सिबल बजट 3 महीने का तैयार हो गया, और हमने देखा कि 80% और 100% कैपेसिटी में माल बनाना पड़ता है, बाकी पड़ता नहीं। आगे के क्वेश्चंस आप घर पे एक बार ट्राई करो, जो भी आया आपको करो, ठीक है। अच्छा मैं देखूंगा कुछ होमवर्क दे सकता हूँ आपको। पीयूष बेटा रुक जा, अभी तुमको लग रही आसान मस्ती। देखो पहले तो आप मोटिवेट करते थे, अभी डीमोटिवेट करना भी चालू करते हैं।
क्योंकि तुम ओवर कॉन्फिडेंट में जा रहे हो इसलिए। ठीक है, कल चलते हैं बाकी क्वेश्चन। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।